ही पर वध करके इस धरा धाम पर धर्म और न्याय की स्थापना करने का काम किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोरो क्षेत्र को उसका पुरातन स्वरूप देने के लिए राजू भैया के प्रस्ताव पर जो कार्य प्रारंभ किया है, आने वाले समय में सोरो क्षेत्र भी एक महातीर्थ के रूप में विकसित होकर के यहां की जनभावनाओं का सम्मान करेगा। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं, पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहन और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कल देश की राष्ट्रपति जी भी वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया, और पूरा देश अभिभूत होकर के देख रहा था वह दृश्य। बहनों और भाइयों, राम भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए, कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे, लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के दो शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस, क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है क्या? क्या आपका वोट पाएगी क्या? अगर इनके कारनामों का मैं किससे सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों बड़ा लंबा समय लगेगा। मैं आज आपके बीच में केवल कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं अभी यहां पर आया था और मुझे यहां पर बताया गया कि अहिल्या समाज को प्रमाण पत्र दिलाने के बारे में। बहनों और भाइयों, अहिल्या समाज आजादी के दो तीन वर्षों तक, चार पांच वर्षों तक उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कांग्रेस की शरारत के नाते उनको उनकी मूल जाति से आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने। और याद करिए, अहिल्या समाज को मैंने स्वयं लखनऊ बुलाया था और उनके बारे में मैंने स्वयं भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इनको भी अनुसूचित जाति की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, यही नहीं, बघेल पाल समाज और धनगढ़, बघेल एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अजीत पाल
भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में जब राजू पाल की हत्या हुई थी और जब एक माफिया ने उमेश पाल की हत्या की थी, तो बैनर भाइयों, माफिया कैसे मिट्टी में मिल गया है यह सबको पता है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये चुनाव में हमें व्यक्ति नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, मत और मजहब नहीं देखना है। चुनाव में हमें केवल मोदी जी को देखना है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में वेस्ट बंगाल में था, मुझे अब तक 8 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहनों और भाइयों, 8 राज्यों में जो माहौल है वह माहौल है, हर जनता एक ही स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार पूरा पंडाल एक साथ बोले, जिससे दिल्ली तक आपका स्वर गूंजे, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जो मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है ना पूरे देश के अंदर, ये वैसे ही नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में देश की कायाकल्प करने का जो कार्य हुआ है, आज उसके प्रति मोदी जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। और उसी के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, ये कांग्रेस सपा की सरकार जब केंद्र में थी, बहुजन समाज पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, तब क्या हाल थे? आतंकी घटनाएं कहीं भी हो जाती थी, विस्फोट कहीं भी हो जाते थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, लखनऊ में हमले हुए, सीआरपीएफ के कैंप रामपुर में हमला हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये होती है देश की धमक, और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। और मैं इसीलिए आज आपसे कहने के लिए आया हूं, विकास के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एटा में भी मेडिकल कॉलेज बना, कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई प्रचलित है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये भी कहने के लिए आया हूं कि देश के अंदर विकास के जो कार्य हुए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य किस हद तक हुआ? 80 करोड़ गरीब राशन का सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके कांग्रेस और सपा बसपा के लूट से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। और यही नहीं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना, और हमने तो उत्तर प्रदेश में यह भी किया है कि हर उस उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हम तो उपलब्ध करवा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर में मकान बन गए। बहनों और भाइयों,
इतना काम मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को मकान देंगे, राशन की सुविधा 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगी, आयुष्मान भारत की सुविधा भी जारी रहेगी। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के गठबंधन से सावधान हो जाइए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2 काम करने के लिए आया है। एक, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके देश का इस्लामीकरण करने की नियत से देश के अंदर तालिबानी शासन की व्यवस्था लागू करने की दिशा से देश को फिर से विभाजन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह आपके आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस और सपा के लोग करेंगे और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो, और जो बहुसंख्यक समाज जिसको पसंद नहीं करता है, वह तो एक ही भोजन है और वह है मुसलमान गौमांस खाता है, हिंदू गौमांस से विरोध करता है, परहेज करता है, कहता है हम नहीं खाएंगे। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है, क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे क्या? क्या गौ हत्या करने देंगे क्या? क्या गौ कसी करने देंगे क्या? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा और हम पाप नहीं होने देंगे, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी ने पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक को ठुकराने का काम कर दिया था। और बहनों और भाइयों, आज जब सरदेव कल्याण सिंह जी का सपना साकार हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एटा, कासगंज और अलीगढ़ के लोगों के चेहरे पर तो खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली है ना, है कि नहीं है खुशहाली? मुझे एक बात बताओ, क्या ये राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस सपा बसपा के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते? क्या ये फ्री में राशन ये लोग दे पाते? और जो ये सुरक्षा, देखो एक तरफ राम मंदिर बन गया और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल गई है, क्या ये लोग इस सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब आपको सपा बसपा कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न ही आपकी समृद्धि में सहायक हो सकती है, और न शोरों का विकास करा सकती है, न यहां के हस्तशिल्पियों को सम्मान दिला सकती है, न नौजवानों को आजीविका दे सकती है, और न ही आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो इस समस्या को हमें पालना ही क्यों है? इसको कतई वोट मत दीजिए। मेरी आपसे अपील होगी, राजू भैया को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, निषाद पार्टी सपोर्ट कर रही है, अपना दल सपोर्ट कर रही है, राजभर पार्टी समर्थन कर रही है और राष्ट्रीय लोकदल भी समर्थन कर रही है। और इसीलिए मेरी आपसे अपील होगी कि सरदेव बाबू जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए
विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने के लिए श्री राजवीर सिंह राजू भैया को हम यहां पे फिर से सांसद बना करके भेजेंगे। सहमत हैं? सहमत हैं? पूरा एटार कासगंज के लोग इस आवाज को घर घर तक पहुंचाएंगे। बहनों और भाइयों, 7 मई को चुनाव है, आज 2 मई हो गई, 3 दिन और प्रचार होगा और मेरी आपसे अपील होगी, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता। आप क्या घर घर जाएंगे राजू भैया बनकर के? जाएंगे? मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के जाएंगे? और बहनों और भाइयों, घर घर जाकर के लोगों से कहना, विकास सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की, और वोट कमल छाप पर देंगे तो समृद्धि भी आएगी और सुरक्षा भी और पुख्ता होगी। बोलेंगे? बोलेंगे? 7 मई को पहला मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, अधिक से अधिक मतदान करवाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।